मैंने एक ख्वाब देखा। मैं जब सोता हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसा होता हूँ जैसे कोई मुर्दा। मैं बिल्कुल, मुझे कुछ समझ नहीं आता, ना मुझे अपने ख्वाब याद होते हैं। तो मैं जब नींद से उठा तो कुछ अजीब सी, मतलब मेरी कैफियत कुछ अजीब सी थी। कुछ मेरे दिल में एक बहुत सुकून सा था, और मैं यही सोच रहा था, एक उसी बंदे के बारे में, एक शख्स के बारे में सोच रहा था कि मैंने किसे देखा है और इतना प्यारा बंदा कौन था। हालांकि उसका जो फेस है मैंने क्लियर नहीं देखा, ना ही मैंने, मतलब ऐसे, या शायद अगर देखा भी हो मुझे याद नहीं वो ड्रीम इतना, वो ख्वाब मेरा इतना। लेकिन वो इंसान इंतहाई बहुत प्यारा था। जब भी कुछ घंटे बाद मेरे जहन में बस वो ख्वाब आ जाता। ख्वाब क्या, एक झलक ही होती थी कि एक इंसान, और वो इंसान मैं अभी भी जब वो याद करता हूँ तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि कोई गलत काम करूँ उसके बाद। जब भी थोड़े थोड़ा अरसा गुजर जाता था, कुछ घंटों बाद मुझे रिकॉल हो जाता था, यार वो इंसान कौन था। दिल में ये सोचता, वो इतना प्यारा इंसान था कौन आखिर, ऐसा इंसान कौन था, और जो मुझे एक अजीब तरीके से देख रहा था। उस देखने में एक मुस्कुराहट वाली खुशी भी थी, एक अफसोस भी था। मैं बहुत कंफ्यूज था, ये क्या है, ये कौन था। फिर मैंने ऐसा शुरू कर दिया कि मैं रिकॉल करना शुरू कर दिया कि यार जो मेरी फैमिलीज़ में जो बहुत तबलीग में लोग होते हैं, जो ज़्यादा तबलीग में टाइम गुजार रहे हैं, मेरे कज़न्स वगैरह, सबको मैं रिकॉल करना मैंने शुरू कर दिया, उनके फेसेस सब कुछ। क्या यार उनमें से किसी से मैंने किसी को ख्वाब में देखा है, कोई नहीं लगा मुझे। ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा होता रहा होता रहा। लेकिन मेरा बाकी चीज़ें मेरी कंटिन्यू थी, लेकिन ये था कि इसके बाद जब मैं कोई गलत काम करता था तो मुझे वो शर्म बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई। तो फिर ऐसा हो गया कि एक रात मैं सोने लगा तो, और दिल में मेरा शर्म था, मेरी शर्म थी दिल में कि ये मैं क्या कर बैठा। अब तो मैंने बिल्कुल इरादा ही कर लिया कि मैंने रिटर्न ही नहीं होना। बस उस रात जब मैं सोने लगा तो मैं लेट गया। लेटने के बाद मैं फिर बैठ गया और मैंने ऊपर देखा, रोना आ गया मुझे, और अल्लाह से मुझे नहीं पता ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि किसी और को फ़ायदा मिल जाए इससे। उस रात मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, मैं गुनाह करते करते, ये सब कुछ करते करते मैं अब ऐसे हालत में पहुँच गया कि मैं तो बिल्कुल ख़ुद के कंट्रोल में हुई नहीं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं तेरे बंदों में से होना चाहता हूँ। मेरी रहनुमाई अब तू कर, मैं तो अब खुद के बस में और हुई नहीं। और उसके बाद कुछ दिन बाद, कुछ दिन तो नहीं कहूँगा, शायद शायद ज़्यादा अरसा हुआ होगा, कुछ 2-3 हफ्ते बाद मैंने एक वीडियो देखी, एक यूट्यूब पे एक वीडियो का वो देखा, पब्लिसिटी अवैस नसीर साहब की वीडियो थी, तो वो मैंने लगाई प्ले की। तो उनकी कुछ बातें मैंने सुनी तो मैं थोड़ा मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, और मुझे साफ बात है, मुझे उनका वो मेरा इंप्रेशन उनके बारे में सही नहीं था, और मैंने वो वीडियो एज सून एज पॉसिबल मैंने वो बंद कर दी। और फिर कुछ दिन बाद, इस बीच शायद मैंने साहिल अदीम साहब की, शेख साहब की कुछ वीडियोस वगैरह देखी होंगी, उसके बाद मैंने दोबारा से कुछ दिनों बाद उनकी एक और वीडियो फिर से इस तरह थी, तो मैंने वो प्ले की। तो उसमें फिर जब मैंने उन्हें थोड़ा और सुना, तो एक थोड़ा सा सुना, तो मैंने फिर बंद कर दिया, और मुझे लगा कि यार ये तो कोई फितना है शायद। तो वेल कंटिन्यू कंटिन्यूड और ऐसे कंटिन्यू कि मैंने साहिल अदीम साहब की वो कभी कभी एक आध वीडियो वो भी बिल्कुल निगलेक्ट कर दी। और फिर कुछ अरसे बाद मैंने फिर से अवैस साहब की कोई वीडियो में उनसे मोहम्मद कासिम के बारे में थोड़ा सुना। मैंने फिर कंप्लीट नहीं की वो वीडियो, लेकिन मैंने याद नहीं कि जल्दी उसके बाद ही या 1-2 दिन बाद, याद नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने मोहम्मद कासिम
को सर्च किया यूट्यूब पे, तो उन्हें थोड़ा सुना, उन्हें सुना तो उन्हें सुनने के बाद मैंने फिर अवेस साहब को सुना। मैंने कहा यार तुम सुन तो लो ये बंदा क्या कह रहा है। तो मैंने फिर एक दो दिन तो मैं सोच में था कि मैं क्या करूँ, अवेस भाई से रब्ता करूँ, ये क्या बोल रहे हैं। मैं जो ख़ुद को अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ी दे, एक टाइम ऐसा आ गया था कि कभी कभी मैं सोच में आ जाता था और अल्लाह से माफ़ी मांग लेता था इसके लिए कि मुझे कभी भी लग जाता था कि अल्लाह कहीं मैं तो दज्जाल नहीं हूँ, कल मुझसे तो दज्जाल नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे दिल में बिल्कुल एहसास ख़त्म होने लगे थे, बिल्कुल फीलिंग्स ही ख़त्म होने लगी थी। गुनाह तो मुझे बिल्कुल गुनाह लगता ही नहीं था, जिस किस्म का भी गुनाह हो। एक टाइम जब मैंने मुकम्मल बिल्कुल ऐसा हो गया था मैं इन पे, इनसे जब मेरी बातें हुई तो उन्होंने मुझे फिर मैंने उनसे इमाम मेहदी के बारे में एक सवाल किया, क्योंकि मैंने उन्हें थोड़ा सुना। डॉक्टर इसरार अहमद साहब से जितना कुछ मैंने चार साल में सीखा था, तो उन सब में से मैं सिर्फ एक बात पे कंफ्यूज था, जो अवेस साहब कह रहे थे कि इमाम मेहदी पाकिस्तान से हो सकते हैं, उनका ज़हूर पाकिस्तान से हो सकता था। तो फिर यही एक क्वेश्चन था जो मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो इसलिए फिर मैंने अवेस साहब को कहा भी था कि मैंने भाई आपसे इमाम मेहदी और आखिर जमां के बारे में, मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल है आपसे, करूँगा उसके बाद अगर जहन में आ गया तो करूँगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। तो ये सवाल पर मैंने उनसे किया कि इमाम मेहदी तो अहले मदीना में से एक शख्स मक्का भाग जाएगा चुपने के लिए, तो फिर वहाँ पे उनके हाथ पे बैत होगी। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि तो वो तो मदीना के होंगे, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से हो सकते हैं। तो उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से वो क्लियर करा दिया, जो कि मैं एग्री भी हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल मक्का में तो कहा गया है कि वो मदीना से एक शख्स जाएगा मक्का में, उसके हाथ पे बैत होगा, लेकिन ये ज़हूर का तो नहीं कहा, ज़हूर का ये बात ज़हूर की नहीं है। फिर इसे मैंने लॉजिकली सोचा और बिल्कुल पूरा लॉजिक बैठता है, जो अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी हदीस देख लें तो उसमें यही कहा हुआ है कि इमाम मेहदी मशरक से आएंगे, तो इसका मतलब कि ज़हूर उनका मशरक में ही होगा। तो अगर अवेस भाई मेरी ये बात सुने तो मैं अब उन्हें यही कहूँगा कि जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, शुक्रिया सिर्फ अल्लाह को कहना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जज़ाकल्ला, आपने अवेस भाई ने मुझे एक दुआ इस्तखारा भेजी और मैंने इस्तखारा शुरू किया, जो अवेस भाई कह रहे थे मोहम्मद कासिम भाई के बारे में, उसके लिए मैंने इस्तखारा शुरू किया। और मुझे कभी भी कोई भी, और इस्तखारा मैंने ये नहीं कि एक दिन किया दो दिन किया, आलमोस्ट कुछ तकरीबन कम अज़ कम मैं 10 से 2 वीक तक मैं रेगुलर करता रहा, और ये नहीं कि इसके बीच में मुझे कोई साइंस मिल नहीं रहे थे इसलिए मैं कर रहा था, लेकिन मैं और साइंस कन्फर्म करना चाहता था और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि जो ख्वाब मैंने देखा उसकी वजह से मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ, क्योंकि ख्वाब तो इतना क्लियर था ही नहीं। मैं ख्वाब में देखा था कि मैंने ख्वाब में दज्जाल का ज़हूर देखा था, और इसी ख्वाब में मैंने मोहम्मद कासिम को फिर देखा था, कुछ और ख्वाब भी देखे हैं, लेकिन बात यह है कि उस इस्तखारे के बाद अल्लाह ने मेरी रहनुमाई ऐसी करा दी कि मैं अल्लाह ने मुझसे इमाम मेहदी की पहचान, मोहम्मद कासिम की पहचान करा दी। मैं श्योर हूँ आज के यही मोहम्मद कासिम भाई इंशाल्लाह कल इमाम मेहदी होंगे, और आप सब लोग जो तनकीद कर रहे हैं मोहम्मद कासिम के बारे भाई के बारे में, अवेस नसीर भाई के बारे में, आप सब से मैं बहुत दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 बहुत मेहरबानी करके किसी चीज़ को दूर से मत परखें। एक चीज़ है आप सुने समझे, फिर उससे कंफर्म करें, फिर उसके बारे में अपनी राय दें, इससे पहले कि आप जहालत में कोई गलत बातें आपसे मुँह से निकल जाए। तो आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, रहनुमाई जो है अल्लाह से
अल्लाह ही हमारा रहनुमा है, अल्लाह से बेहतर हमारी रहनुमाई कोई नहीं करा सकता। तो आप इस्तखारा करें, अल्लाह से मांगे, और प्लीज़ मेरी आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट है कि जो अवैज़ भाई और कुछ हमारे और साथी आपको मोहम्मद कासिम के बारे में बता रहे हैं, आप मेहरबानी करके इसे एज अ फितने की सोच की वजह से डर डर के मत भागे। फितना तो औलाद भी होता है, फितना तो टेस्ट को कहते हैं, एक टेस्ट को कहते हैं फितना। तो ज़रूरी नहीं है कि एक फितना जो हो वो एक बुरी चीज़ हो, औलाद कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, औलाद एक फितना है। तो इसलिए आप मेहरबानी करके ख़ुद को गुनहगार ना बनाएं, और आप बात को सुने समझे, उसके बारे में तहकीकात करें, मालूमात करें, उसके बारे में फिर आप राय दें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको मोहम्मद कासिम के इमाम मेहदी होने में कोई नेगेटिव बात नज़र नहीं आएगी, या जो आपको अवैस नसीर भाई या इनके कुछ और साथी उनकी बातें सुन के कोई नेगेटिव फीलिंग आपको नहीं आएंगी उनसे। अगर आप उन्हें सुने, सिर्फ उन्हें नहीं, जो भी आपको कोई बात करता है तो आप उस बात को जज करने से पहले वो बात सुने, आप देखिए कि वो क्या कह रहा है।